अक्सर जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव फोर्सेस हैव जॉइंड टुगेदर, कि नेगेटिव फोर्सेस कि विपरीत भावनाओं वालों का इकट्ठ बनना और इकट्ठ बनना उन विपरीत भावनाओं वालों का और उसी के कारण नुकसान होना इस संसार का, इस धरती का। तो कहते हैं कि वो नेगेटिव फोर्सेस इकट्ठी होकर नुकसान करती हैं, तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, एक पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक एक रवैये और भावना वाले जो प्यार को अहमियत देते हैं, नेगेटिव फोर्सेस में तो खुदगर्जी आ जाएगी, अभिमान आ जाएगा, एक लोभ लालच आ जाएगा, इस प्रकार से अंधकार के रूप वो नेगेटिव फोर्सेस। और पॉजिटिव पॉजिटिविटी जो है वो है प्यार, करुणा, दया, सहनशीलता, सबर, संतोष, विनम्रता, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, एक सकारात्मक रवैये और इस प्रकार से कल्याणकारी और एक ऐसे यथार्थ एक भावनाओं से युक्त होकर जीवन को जीना, यही महापुरुषों की युगों युगों से ये अभिलाषा रही है और आज भी यही पैगाम यहाँ इस समागम, इस सत्संग में ये दिया जा रहा है, ताकि हर इंसान इस बात को भली भांति समझ जाए और समझ जाए, अपना भी कल्याण करे, औरों के लिए भी वरदान बने। और ये समझ हासिल कहाँ से होती है, तो वो भी महापुरुषों ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।